अगर आपको मनचाहा जीवन साथी पाने में मुश्किलें आ रही हैं, या फिर शादी हो गई है लेकिन बेवजह झगड़े बढ़ते जा रहे हैं, तो केले के पत्ते से जुड़ा कौन सा वो महा उपाय है, चलिए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, वैवाहिक जीवन में संतुलन बना रहे, सुख शांति बनी रहे, केले के पत्ते का क्या महा उपाय है? प्रायः कुंडली के 12वें भाव में, प्रायः कुंडली के 7वें भाव में जिनके बृहस्पति होता है, उन लोगों के विवाह में देरी होती ही होती है। अगर वो उच्च का ना हो और शुभ ग्रहों से दृष्ट ना हो और खास करके पापक ग्रहों की राशि में हो, तो विवाह में बहुत विलंब होता है। ऐसे लोगों का विवाह 32 वर्ष की उम्र के बाद होता है, और 32 वर्ष की उम्र तक जब लड़कियों की शादी नहीं होती है तो माता पिता की हार्ट बीट बढ़ जाती है, क्योंकि शादी न होने का जो दर्द होता है वो पिता को महसूस होता है, माता को महसूस होता है, बच्चे को नहीं महसूस होता है। उनके लिए एक एक दिन काटना मुश्किल हो जाता है। अगर आपके भी बच्चे के विवाह में नाना प्रकार की परेशानियां आ रही हैं, रुकावट आ रही है, वैवाहिक जीवन में विवाह हो गया है और कलेश बढ़ रहा है, तो आपको चाहिए कि आप लाल चंदन की लकड़ी खरीद कर उसको पत्थर पर घिस करके उसका चंदन उठा करके एक कटोरी में, और केसर को भी घिस करके, हल्दी को भी घिस करके, उस शहद के साथ उसका घोल बना करके मंगलवार के दिन केले का पत्ता साफ सुथरा काट करके और उसके ऊपर आपको विष्णु यंत्र बनाना चाहिए। अगर विष्णु यंत्र आप नहीं बना सकते हैं तो केवल ओम लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए? ओम। इसी में भगवान विष्णु हर समय रहते हैं। एतद् द्वय अक्षरम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते, ये ओंकार ही भगवान विष्णु का स्वरूप है। ओम लिख दीजिए और एक मंत्र, ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्, इस मंत्र का 108 बार जप करिए, और जप करते हुए आपको चाहिए कि उस यंत्र पर जितने बार आप जप करिए उतने बार उस यंत्र पर पुष्प और रोली का जो है थोड़ा थोड़ा अंश जो है गिराते रहिए, और भगवान विष्णु के चरणों में केले के पत्ते पर बना विष्णु यंत्र रखिए। केले के पत्ते पर बने विष्णु यंत्र को घर में उत्तर दिशा में स्थापित करके 40 दिनों तक लगातार उसकी पूजा करिए, उसके बाद उसको जल में विसर्जित कर दीजिए। इससे विवाह में आ रही देरी भी ठीक होगी, और घर में अगर सुख का अभाव है तो घर में सुख संपन्नता भी आएगी। जय माँ विंध्यवासिनी।